मैक नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया उपन्यास आपका बंटी। हाँ, आपका बंटी, यह इनका इसी उपन्यास का नाम है और यह नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। और मन्नू भंडारी का जो नाटक महाभोज है वह भी नेट के सिलेबस में है, और मन्नू भंडारी का जो आत्मकथा है वह भी यूनिट 10 में उनका एक कहानी यह भी लगा हुआ है। यानी कि तीन तीन रचनाएं मन्नू भंडारी की। तो आज हम इसका वाचन करेंगे और इसका शुरुआत करते हैं। इसको कई भागों में होगा, हो सकता है 15 भाग में हो, लमसम 15 भागों के इर्द गिर्द जा सकता है, 20 भाग में भी जा सकता है। इसका वाचन हम करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक शेयर भी करते रहिए। चलिए आज का देखते हैं पहला भाग, जन्म पत्री बंटी की। यहाँ से शुरुआत होगा, शुरू से शुरुआत होगा और मन्नू भंडारी का वक्तव्य क्या है इसमें हम देखते हैं। वह बाकुरा की एक सांझ थी, अचानक ही पी का फोन आया। तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, जैसे भी हो आज शाम को ही मिलो बाकुरा में। मैं उस जरूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी। रेस्तरा की भीनी रोशनी में मेज पर आमने सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ पी की पहली पत्नी। पहले इसको देखते रहिए, बाद में समझ में आएगा चीज़ें। अभी तो यह इसके बारे में है कि यह इसके अंदर की बातें हैं, जन्मपत्री की बातें हैं। ठीक, आगे आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ यानी कि जो पी की पहली पत्नी है ने शादी कर ली। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहाँ एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे, इसलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊँगा। अब से वह यहीं रहेगा और फिर वे देर तक यह बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगा है और इस नई व्यवस्था में वहाँ रहने से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उनकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा? मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में दो एक बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके आसंग नहीं है, जबकि माँ के साथ वह शुरू से रह रहा है, एक छत्र होकर रह रहा है। इस नाजुक उम्र में वहाँ से उखड़ जाएगा और संभवतः यहाँ जम नहीं पाएगा। लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिनों के लिए वहीं रहे, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्मपत्री बनाई। मतलब मन्नू भंडारी यह बता रही हैं कि किस प्रकार से बंटी, आपका बंटी लिखने की भूमिका तैयार हुई। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के न जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर गया है। मुझे लगा मतलब किसको? मन्नू भंडारी जी को। नई माँ और पिता के बीच एक बालिका। लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमा चौकड़ी मचाए हैं, उन्मुक्त और निश्चिंत। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रहे हैं। उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर देखती है। माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उन अनदेखी नज़रों में भी जाने कैसा ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्चे का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहमकर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी उस वातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है। खेल उसी तरह चल निकला है, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रवाह से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह है बंटी। रात में सोई तो लगा 6 महीने के पहले जिस बंटी को अपनी साथ लाई थी वह सिर्फ एक दैनी मुरझायापन बनकर रह गया है। एक और चित्र, सिर्फ पुरानी माँ और बंटी। मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेटें, बिस्कुट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं और बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है।
तुम कहाँ गई थी, इसके साथ गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी? मेरी उपस्थिति के बावजूद यह दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहा। माँ तिलमिलाहट गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस वातावरण के दमघोटू तनाव में वहाँ फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी, वह यह है कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक साथ साँचे में ही सामने आने लगती हैं तो दया भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बंटी के इन अलग अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा विगलित और उच्छ्वसित ही किया था, लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया। समाज के दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप में जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता, यानी वही तलाक वगैरह, फिर बच्चों बीच में बच्चे ही पिसेंगे। यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया। इसके बाद ही स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया। भावना के स्तर पर उद्वेलित और विगलित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे सूत्रों, स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। संदर्भों से काट कर किया हुआ बंटी का अध्ययन शरतचंद्री भावुकता भले ही जगा दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन हैं। दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसका परिणति के रूप में ही मेरे सामने आए। यहाँ मुझे भारत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्र जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है, क्योंकि शकुन अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिसता बंटी ही है। जैसा कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपका बंटी में प्रमुख पात्र तो बंटी है, फिर उसकी माँ जो शकुन है, असली माँ शकुन, शकुन बाद में भले ही इधर उधर होता है तो शकुन ही उसकी माँ है, शकुन इसकी मुख्य पात्र है और बंटी भी। शकुन और बंटी के बीच ही इर्द गिर्द कहानी घूमती है और एक पात्र की बात की जाए तो बंटी है। आप शीर्षक देख भी सकते हैं, अजय उसका पापा है, पप्पा पप्पा पप्पा। आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी आपको पता होता चला जाएगा और आप में से लगभग ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा। शकुन और अजय तो आपसी तनाव के असहनीयता मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे, वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। चूंकि वह शकुन के साथ रहता है इसलिए बंटी को उसकी समूची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामयी मिथ्या धारणाएँ और सदियों पुरानी मिथ टूटने लगी। शकुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली माँ नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएँ और आजीविका के साधनों से तृप्त माँ थी। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। आज तो लगता है कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आ गई हैं, वे शकुन के जीवन को दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकता के अंतर विरोध को उजागर करती हैं। अगर माँ की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी जो सात समुद्र पार करके अपनी निष्ठा प्रामाणिकता प्रमाणित करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने ही बेटे को खा जाती है। शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो या फिर बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती हो, उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हो या कभी एकाकी जीवन के आधार के रूप में, मुझे तो सभी कुछ निहायत तटस्थ होकर एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती, उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ा विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती हैं। ठीक है, जानते हैं आप, कोई भी व्यक्ति सफल या असफल होता है तो एक लोग का साथ नहीं होता, बल्कि हो सकता है कि एक दो लोगों का मुख्य किरदार हो लेकिन बाकी अनेक लोगों का उसमें सूक्ष्म योगदान जरूर होता है, गौण योगदान जरूर होता है।
शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर विरोधों में जीने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप में अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है। शायद यही कारण है कि मैं इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को न अस्वीकार कर सकी, न ही गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही कहते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखक की समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध हैं। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। यानी कहने का मतलब कि बंटी है जो इसका मतलब इसके लिए सबसे कम बेगुनाह है, लेकिन सबसे ज़्यादा भोगता यही है। शकुन अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। स्थिति की इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जगाया था। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध मतलब मुझे आकर्षित किया, मतलब मनु भंडारी लिख रही हैं, अप्रतिरोध यह इसका आप आमुख कह सकते हैं, इसका संदर्भ कह सकते हैं, इसका भूमिका कह सकते हैं इस उपन्यास की। अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए हैं। बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजर कर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नाकूलता की रही है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पतों पर नहीं पहुँचा है। यानी कि जो यह मनु भंडारी लिखने जा रही जो लिखेंगी, जो इसकी भूमिका है, जो आप बताना चाहती हैं, वह मतलब यदि ऐसा कोई समझता है केवल सहानुभूति के लिए, तो उनका कहना है कि मेरा यह लिखा हुआ सार्थक नहीं साबित होगा। तो यह इसकी भूमिका रही मनु भंडारी के शब्दों में। ठीक, इसमें प्रमुख पात्रों में जैसे यही आपका बंटी है, बंटी, इसके बाद इनकी मम्मी शकुन, इनके पापा अजय। यही कहानी शुरू होगी, तलाक होगा, फिर नए पापा आएंगे, नई मम्मी आएगी, फिर उनके बच्चे, नई मम्मी के बच्चे और नए पापा के बच्चे, तो इसमें ऐसे ही सभी पात्र हो जाएंगे। मुख्य पात्र में यही है शकुन, अजय, बंटी। तो बाकी दूसरा यह तो भूमिका हो गई, आगे दूसरे भाग में देखेंगे इसके आगे की कहानी। आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करते रहिए। जो भी आपके सवाल हैं और कैसा लगता है कमेंट करके बताया कीजिए। हाँ, इसमें कंजूसी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।